जी ये हम अभी फिंगर चिप्स बनाने के लिए ये आलू मैंने कटिंग करके रख ली है और अभी ये जो मटेरियल है ये मैदा है और ये मसाला जो हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। ये जी अभी ये मसाला जो हमने मिक्स कर रहा हूँ और मिक्स करने के बाद इसको मैं फिंगर चिप्स के लिए आलू के साथ मिक्स करूँगा और उसके बाद वो 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगा और उसके बाद फ्राई के लिए रेडी हो जाएंगे। सारा मिक्स कर लिया है और अब पोटैटोस यानी कि आलू के अंदर ये मैं मिक्स कर रहा हूँ। ये मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ये जी हमारा अभी तैयार हो चुका है जी फिंगर चिप्स का। ये जी सारा कुछ हमारा तैयार हो गया, अब मैं इसको करूँगा फ्राई और आए आपको दिखाते हैं फ्राई के लिए इसको डालते हैं। ये जी अभी फ्राई हो रहा है जी और अभी थोड़ी देर में गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे जी। ये भी तैयार हो गया, फ्राई हो गई है, अब इसको हम निकालने लगे हैं। ये देखते हैं जी आप, इसका कलर भी ब्राउन हो चुका है और ये ऐसे लग रही है जैसे जी मैकडॉनल्ड्स और KFC से फिंगर चिप्स ली है। और ये देखिए अभी आपको दिखाते हैं जी, ये जी हमारी फिंगर चिप्स तैयार हो चुकी है। ये देखें जी बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर में और बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको टेस्ट करके चेक करते हैं जी ये कैसी बनी है। ये जी मैंने साथ में केचप लगाई है और जी इसका बिल्कुल जायका सेम टू सेम KFC फिंगर चिप्स जैसा है, नरम भी नहीं है और इतनी हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़बरदस्त बनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए।